चैनल माइनिंग सपोर्ट ऑल फ्रेंड्स हियर आई एम ब्रिंगिंग अ न्यू टॉपिक रिलेटेड टू माइन फैन सो स्टे कनेक्टेड विद माइनिंग सपोर्ट हियर वेरियस टाइप्स ऑफ फैंस आर यूज इन अंडरग्राउंड माइन फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैन मैकेनिकलेश तो सरफेस में हमारा जो भी हमारा एक फ़ैन यूज़ होता है जिसको मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर या एम एम बी के नाम से जानते हैं जो कि एग्जॉस्ट नेचर का भी होता है और फोर्सिंग नेचर का भी होता है ठीक है तो ये कंडीशन डिपेंड करता है कि एग्जॉस्ट ले या तो फोर्सिंग ले ठीक है वो माइन के डिग्री ऑफ गैसिनेस पर भी हमारा डिपेंड करता है ठीक है तो इस पर हम कुछ फ़ैन के टाइप पे चर्चा करेंगे हम ले करके एग्जॉस्ट ही चल रहे हैं अभी ठीक है बेसिकली आपको बस नॉलेज गेन करना है ठीक है तो देखिए कि यहाँ पे बोलहा है क्या एक्सीयल फ़ैन्स ठीक है तो चूंकि एम एम बी जो हम लोग सरफेस में यूज़ करते हैं वो एग्जॉस्ट या तो फोर्सिंग नेचर का होता है तो एग्जॉस्ट यदि वो फ़ैन लगा हुआ है तो क्या करता है कि डाउन का शाख से हमारा फ्रेश एयर को खींचता है ठीक है ऐसा करने से क्या होता है कि हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन यदि कोई माइंस में है या तो डिग्री ऑफ गैसनेस हमारा यदि टू या थ्री डिग्री है तो उस केस में थोड़ा सा ज़्यादा कम्फर्ट ऑफ वर्कर्स के लिए ये uh, हमारा ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है एग्जॉस्ट फैंस ठीक है और यदि कहीं पे आ, इंटेक में आग लग जाता है या कुछ होता है तो उस केस में हमारा क्या करते हैं ना फोर्सिंग नेचर का ये करते हैं तो दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि उसका फ़ैन डक्ट जो होता है वो अलग अलग होता है एग्जॉस्ट में फैन डक्ट हमारा थोड़ा रिगिट होता है जबकि फोर्सिंग में फ़ैन डक्ट हमारा थोड़ा सा लूज होता है ठीक है तो इसमें से हमारा पहला क्या है कंडीशन एक्सियल फैन्स ठीक है तो एक्सियल फैन के बारे में हम चलते हैं तो दिस फैन लुक्स लाइक अ प्रोपेलर एंड ड्रॉ एयर स्ट्रेट थ्रू द फैन एक्सियल फैन के बारे में जब हमारा बात आता है तो इसमें ये क्या है ना प्रोपेलर्स की तरह दिखता है और एयर को ड्रॉ करता है ना स्ट्रेट लाइन थ्रू द फैन ठीक है एक सीधी रेखा में एयर को ड्रॉ करता है ठीक है ये जो कंडीशन है हमारा एग्जॉस्ट का ही है एक्सियल फैन के कंडीशन में लेकिन जब हमारा बात सेंट्रीफ्यूगल फैन के बारे में आए तो उस केस में बोला है क्या दिस फैन लुक्स लाइक केज दैट ड्रॉ एयर इन टू देंटर ऑफ द फैन एंड एग्जॉस्ट इट एट नाइंटी डिग्री एंगल ओके तो हमारा सेंट्रीफिकल फैन क्या करता है एयर को नाइंटी डिग्री पे हमारा एग्जॉस्ट करता है ठीक है दिस फैंस लुक्स लाइक अस्वायरल केज ठीक हैज की तरह मैंने स्क्वायरल मैंने स्क्वायरल पिंजड़े की तरह दिखाई देता है ठीक है और क्या करता है ड्रॉ एयर इन टू देंटर ऑफ द फैन ठीक है फैन के सेंटर पे हमारा एयर को ड्रॉ करता है एन एग्जॉस्ट इट एट नाइन डिग्री एंगल ओके फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्रॉस फ्लो फैन ऑल्सो फैन फैन के बारे में उतना ज्यादा चर्चा नहीं करना है अब देखते हैं फैन के बारे में हमारा थोड़ा फिगर आपके सामनेल केज या तो सेंट्रीफ्यूगल फैन स्क्वायरल केज है आपका स्क्वायरल टाइप का केज बना हुआ है केज में हमारा एक फैन उस सेंटर पे नाइनटी डिग्री टू दर को ड्रॉ करता है ठीक है प्रोपेलर फैन है ना और या तो भेनेक्शियल फैन यहाँ पे है ठीक है प्रोपेलर फैन को एक्सएल फैन भी हम लोग करते हैं ठीक है एक्सेल फैन ठीक है फूल की तरह दिखता है वो फिगर आपका देख ही रहे हैं फिर अब बोल रहा है क्या टाइप्स ऑफ फैन फैन और प्रोपेलर फैन. इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन देखते हैं हम बोल रहा है क्या एक्सीएल और प्रोपेलर फैंस देयर आर थ्री बेसिक टाइप ऑफ एक्सएल फैंस तो एक्सेल फैंस तीन टाइप का होता है जैसे में हम लोग देखते हैं क्या प्रोपेलर ट्यूब एक्सियल एंड भेन एक्सियल ठीक है प्रोपेलर फैन आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर डायल्यूशन और वेंटिलेशन ठीक है डायल्यूशन वेंटिलेशन और कूलिंग तो हम लोग प्रोपेलर को ज़्यादा यूज़ करते हैं ये बात ध्यान रखना है एक्सीएल को ही हम लोग प्रोपेलर फैन बोलते हैं अब प्रोपेलर फैन हमारा तीन टाइप में बटा होता है पहला या तो एक्सीएल फैन को जनरली हम लोग प्रोपेलर के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं ऐसा करने का मतलब है कि प्रोपेलर ज़्यादा यूज़ होता है एक्सीएल फैन का ही एक टाइप है ये ठीक है तो ये क्या जनरली एयर को डायल्यूट करता है वेंटिलेट करता है डिस्ट्रिक्ट को और माइंस को या कूल cool करता है ठीक है बोरादीज़ फैंस आर ऑफन माउंटेड इन ए वाल ठीक है ऐसे तरह का फैन जो है एक दीवाल में माउंटेड होता है दीवाल में बना हुआ जाता है ठीक है स्टेबल रहता है ये ठीक है और सीलिंग या तो सीलिंग में भी इसको टांग के रखे जा सकते हैं ठीक है कॉमन एग्जाम्पल्स आर योर ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर फैन और ए फ्री स्टैंडिंग रूम फैन ठीक है फ्री स्टैंडिंग रूम फैन फैन हमारा क्या है प्रोपेलर फैन है प्रोपेलर ये बात ध्यान रखना है आपके घरों में जो इस्तेमाल होता है जो रूम में फैन उसको हम लोग बोलते हैं क्या आ, प्रोपेलर फैन जो कि एक्सियल फैन का ही एक टाइप है दी बेसिक हैिस्टिक्स ऑफ दिस फैन इंक्लूड दैट दे कैन मूव लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इफ देयर इज लिटिल रेजिस्टेंस ओके तो सबसे बेसिक यूज क्या है क्या दे कैन मूव लार्ज अमाउंट ऑफ एयर ठीक है ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एयर को क्या करता है ना फोर्स करता है मूव करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इफ देयर इज लिटिल रेजिस्टेंस यदि वहां पे लिटिल रेजिस्टेंस या तो कम रेजिस्टेंस उस केस में हमारा प्रोपेलर फैन इफेक्टिव होता है एंड आर नॉट सुटेड फॉर लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन बिकॉज दे डू नॉट प्रोवाइड इनफ सक्शन टू ड्रॉ एयर थ्रू द सिस्टम तो इसमें दूसरा कंडीशन क्या है कि ये सक्शन प्रोवाइड ज्यादा करने में कैपेबल नहीं होता है ठीक है ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एयर को मूव करा सकता है लेकिन ये सक्शन क्रिएट नहीं कर पाता है ज्यादा इफेक्टिव ठीक है बोल रहा है प्रोपेलर फैंस मेड टू फिट इन ए ओके हियर द पॉइंट स्टेटेड दैट प्रोपेलर फैंस मेड टू फिट इन ए ठीक है प्रोपेलर फैन को हम लोग एक डक्ट में फिट करते हैं दे आर लिमिटेड टू क्लीन एयर एप्लीकेशन सच एज एग्जॉस्ट डक्ट गोइंग थ्रू द तो ये हमारा एयर को क्लीन करने में यूज़ होता है ठीक है फिर आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फैन का ठीक है आप सेंट्रीफ्यूगल फैन के बारे में थोड़ा सा बारीकियों से देखें इसका ज़्यादा कुछ आप अचीव करेंगे और थोड़ा सा आपके स्टडी को और भी इनबिल्ड करने पे ये ज़्यादा मदद करेगा ठीक है जाहिर सी बात है इसमें कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा यदि आपको यदि लगे कि ये कन्वीनियंट वीडियोस है आपके स्टडी को इफेक्टिव या इन्फ्लुएंस कर रहा है कुछ ऐसे मैंने प्रोडक्टिव बना रहा है तो आप उसको जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से अन अदर पर्सन के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा ठीक है रहा है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंट्रिफिकल फैंस डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ फैन ब्लेड्स ठीक है तो सेंट्रिफ्युगल हमारा कितने टाइप का है ना फैन ब्लेड्स के टाइप पे हमारा सेंट्रिफिकल तीन टाइप में बटा होता है फॉरवर्ड इक्लाइंड ब्लेड्स बैकवर्ड इंक्लाइंड ब्लेड्स एंड स्ट्रेट रेडियल ब्लेड्स ठीक है फॉरवर्ड इंक्लाइंड ब्लेड्स हो बैकवर्ड इनक्लाइंट ब्लेड्स हो या तो स्ट्रेट रेडियल ब्लेड्स हमारा सेंट्रिफ्युगल तीन टाइप का फॉरवर्ड बैकवर्ड और स्ट्रेट रेडियल ब्लेड्स के रूप में हमारा डिफाइंड किया गया है ठीक है अब इसमें बो रहा है क्या द फैन इन योर होम फर्निश वैक्यूम क्लीनर एंड हेयर ड्रायर आर एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रिफ्युगल फैन ठीक है चूंकि आपको इस बात में जानकर थोड़ा सा ज़्यादा खुशी होगा कि जो भी आपका घरों में वैक्यूम क्लीनर है एंड हेयर ड्रायर है वो एग्ज़ाम्पल ऑफ सेंट्रिफ्युगल फैंस होता है ठीक है तो ये बात को आप घरों में एग्जाम्पल आप फेस घरों में एग्जाम्पल आपका अवेलेबल है तो इसमें ज़्यादा ही खुशी होनी चाहिए आपको फिर बोल रहा है द रग्ड रेडियल ब्लेड्स अंडरलाइन पॉइंट को देखिए आप ठीक है चलिए एक और पॉइंट है दे कैन ऑपरेट अगेंस्ट द हाई रेजिस्टेंस एंड आर टाइपिकली यूज इन लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन तो पहले हम बता चुके हैं कि impelle, प्रोपेलर फैन जो है कि उतना ज़्यादा नहीं यूज़ हो पाता है तो उसके केस में हमारा सेंट्रिफिकल फैन एग्जॉस्ट को क्रिएट करने में ज्यादा इफेक्टिव होता है ठीक है द रग्ड रेडियल ब्लेड सेंट्रीफिकल फैंस आर द बेस्ट टाइप ऑफ एग्जॉस्टिंग फैन तो रग्ड रेडियल ब्लेड्स जो है हमारा सेंट्रोफिकल फैंस का याद रखिए पॉइंट रग्ड रेडियल ब्लेड्स ठीक है द रग्ड रेडियल ब्लेड सेंट्रोफिकल फैंस आर द बेस्ट टाइप ऑफ फॉर एक्जॉस्टिंग हैवी अमाउंट्स ऑफ डस्ट बिकॉज दे आर लेस लाइकली टू बिकम क्लॉग्ड और एवरेडेड बाय द डस्ट ठीक है तो ऐसे इस तरह से हम लोग रग्ड रेडियल ब्लेड्स को यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो हमारा क्लॉग्ड नहीं होता है मैंने थका जम के ये ठूसा नहीं जाता है क्या करता है ये फ्रीली मूव करते रहता है रग्ड रेडियल ब्लेड्स ठीक है तो इसलिए ये एग्जॉस्ट करने में ज़्यादा आसानी से यूज होता है ठीक है मटेरियल हैंडल्ड थ्रू द फैन बोरा इफ़ द फैन एयर कंटेंट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मोक और डस्ट ए बैकवर्ड इंक्लाइंड सेंट्री फ्यूगल और एक्सीएल फैन शुड बी सेलेक्टेड ठीक है तो उस केस में यदि हमारा पहला कंडीशन बोरा इफ द एग्जॉस्ट एयर कंटेंट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मोक और डस्ट ए बैकवर्ड इंक्लाइंड सेंट्रिक्यूगल और एक्सीएल फैन शुड बी सिलेक्टेड तो उस केस में हमारा सेंट्री फ्यूगल या तो एक्सीएल फैन को सिलेक्ट किया जा सकता है यदि हमारा एयर में लेस अमाउंट ऑफ डस्ट कंटेन कर रहा है तो ठीक है दूसरा पॉइंट बो रहा है इफ एग्जॉस्टेड डस्ट या एयर कंटेंस लाइट डस्ट फ्यूम्स और मॉइस्चर यदि हमारा एग्जॉस्ट एयर यदि हमारा कंटेंट कर रहा है थोड़ा सा डस्ट मैंने कुछ मात्रा में डस्ट फ्यूम्स और मॉइस्चर को तो ए बैकवर्ड इंक्लाइंड और रेडियल सेंट्रीफ्यूगल फैन वुड बी प्रिफर्ड तो उसमें बैकवर्ड इंक्लाइंड उस केस में बैकवर्ड इंक्लाइंड और रेडियल सेंट्रीफ्यूगल फैन वुड बी द प्रिफरेबल एप्लीकेशन ठीक है पॉइंट नेक्स्ट बोल रहा है कि इफ द पार्टिकुलेट लोड इन द एग्ज़ॉस्ट एयर इज हाई और वेन मटेरियल इज हैंडल द नॉर्मल सिलेक्शन वुड बी रेडियल फ्यूगल फैन बोल रहा है इफ द पार्टिकुलेट लोड इन द फैन एयर इज हाई और वेन मटेरियल हैंडल द नॉर्मल सिलेक्शन वुड बी सेंट्री फ्यूगल फैन ठीक है इस पॉइंट को बारीकी समझिए पहले क्या बोल रहा है कि द पार्टिकुलेट लोड इन द एगजॉस्ट फैन इज हाई और वेन मटेरियल इज हैंडल्ड द नॉर्मल सेलेक्शन वुड बी अ रेडियल सेंट्रिफ्यूगल फैन ठीक है तो इस केस में यदि ऐसा कोई हो जैसे कि फैन को ज़्यादा हैवी वर्क करना पड़े तो उस केस में हम लोग किस तरह का ना सिलेक्शन लेते हैं ना वुड बी रेडियल सेंट्रीफ्यूगल फैन ठीक है अब यहाँ पे आता है एयर स्ट्रीम टेम्परेचर <coughs> एयर स्ट्रीम टेम्परेचर के बारे में बात आता है तो बोल रहा है कि द फैंस दैट हैंडल हाई टेम्परेचर एग्जॉस्ट एयर मस्ट बी मेड ऑफ मटेरियल्स एंड पार्ट रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर ठीक है तो ऐसे केस में यदि हमारा एयर स्ट्रीम टेम्परेचर यदि थोड़ा हाई हो और दूसरा केस कह रहा है क्या कि वो एग्जॉस्ट एयर हमारा फायर मटेरियल या फायर रेजिस्टेंस मटेरियल का बना हो क्योंकि यदि हमारा फैन यदि हॉट ह्यूमिड कंडीशन में, करेगा, तो में, में, है, है? तो में वर्क करेगा तो उस केस में हो सकता है कि फ्रिक्शन के वजह से उसमें थोड़ा सा क्षति होने का ज़्यादा डर है ठीक है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं जितने फ़ैन मटेरियल्स है देन एयर मस्ट भी मेड फ्रॉम मटेरियल एंड पार्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं उसके पास पार्ट्स को मैंने भागों को एयर रजिस्टेंस मैंने हॉट रेजिस्टेंट बनाते हैं ठीक है बोरा कैपेसिटी एंड फिजिकल लिमिटेशंस अब यहाँ पे एक बात आता है कैपेसिटी एंड फिजिकल रेजिस्टेंट फैन साइज शुड बी डिटरमाइंड बाई परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट इन लेट साइज एंड लोकेशन फैन वेट एंड एज ऑफ मेंटे मस्ट बी कंसिडर्ड ठीक है तो कैपेसिटी एंड फिजिकल हम लोग देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है जरूरत है इनलेट साइज और लोकेशन फैन वेट एंड एज ऑफ मेंटेनेंसो मस्ट बी दंसिडर्ड ठीक है द मोस्ट एफिशियंट फैन साइज साइज में नॉट फिट द फिजिकल स्पेस अवेलेबल और पैकेज फैंस द मोटर इज फर्निश्ड एंड माउंटेड बाय द मैन्युफैक्चरर। ऑन लार्जर यूनिट द मोटर इज माउंटेड सेपरेटली एंड कपल डायरेक्टली ऑन द फैंस टू द फैंस और डायरेक्टली बाय ए बेल्ट ड्राइव्स फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट की डायरेक्ट ड्राइव फैंस ऑफर अ मोर कॉम्पैक्ट असेंबली एंड अश्योर कॉन्स्टेंट फैस स्पीड ठीक है यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है क्या डायरेक्ट ड्राइव फैंस क्या करता है ऑफर मोर कॉम्पैक्ट असेंबली एंड योर कॉन्स्टेंट फैन स्पीड ठीक है तो डायरेक्ट ड्राइव फैन हमारा क्या करता है कॉन्स्टेंट स्पीड को अवेलेबल कराता है फैन स्पीड्स आर लिमिटेड टू अवेलेबल मोटर स्पीड ठीक है फैन स्पीड अवेलेबल मोटर स्पीड पे डिपेंड करता है कैपेसिटी सेट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन और ये कैपेसिटी जो है कंस्ट्रक्शन के दौरान ही सेट किया जाता है ठीक है अब यहाँ आता है बेल्ट ड्राइव फैंस ऑपर फ्लेक्जिबिलिटी इन द एडजस्टमेंट ऑफ द फैन स्पीड द स्पीड फैन स्पीड कैन भी चेंजेज बाई अल्टरिंग द ड्राइव रेशियो तो हमारा फैन स्पीड को जो डिपेंड करता है द स्पीड कैन भी मैंने बेल्ट ड्राइव जो है

Need to provide for changes in system capacity or pressure requirements determined by the modifications of the process hood design equipment ठीक है locations or air cleaning equipments इस तरह से हम लोग अब आ नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या what affects fan performance क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है इसमें आप कंसंट्रेट होकर इस इसको कैरी करें बाकी मिडिल वाला हो सकता है कि आपको इंटरेस्टिंग ना लगा हो और इसमें थोड़ा सा जानकारी आपको रखना है ठीक है so, बोरा वॉट अफेक्ट्स फैन परफॉर्मेंस तो पहला बो रहा है तो कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ मोस्ट फैंस दैट अफेक्ट परफॉर्मेंस आर लिस्टेड बिलो फर्स्ट वन इज बियरिंग्स बो रहा है फैन साफ्ट बियरिंग्स आर ऑफ द सिंगल ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ द ट्रबल बियरिंग इज रिड्यूस्ड बाई ओवर टाइटेंड एंड एक्सेसिवली लूज फैन बिल्ड ठीक है फैन वाइब्रेशन अन लोडिंग ऑन द फैन ब्लेड्स हाई एम्बियट ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स एंड इम प्रॉपर लुब्रिकेशनस ठीक है तो बेयरिंग बहुत सारा कंडीशन पे है इम्रॉपर लुब्रिकेशन हो उस से इसमें बेयरिंग को बहुत ज़्यादा टाइट कर लें हैवी टाइटेंट करेंगे तो उस केस में ठीक है लूज करेंगे उस केस में भी हमारा भाइब्रेशंस होता है तो सारी चीज़ को हम लोग बेयरिंग को कंट्रोल करके हम लोग मैंने एडजस्टमेंट जरूरी होता है फैन का एफिशेंसी को बढ़ाया बना के रखने के लिए ठीक है फिर होता है बेल्टस भी बेल्ट इमप्रॉपर बेल्ट टेंशन कैन अफेक्ट द फैन परफॉर्मेंस ठीक है तो इसके लिए क्या करते हैं ऑडिबल बेल्ट स्क्वायरिंग स्क्वेलिंग ड्यूरिंग स्टार्टअप इज अ साइन ऑफ इनसफिशेंट बिल्ड टेंशन ठीक है इस हिसाब से नेक्स्ट आता है क्या वाइब्रेशन, वेंटिलेशन सिस्टम बोला है फ्लैक् कनेक्टर्स अटैच द वेंटिलेशन सिस्टम डक टू द फैन वाइल एलिमिनेटिंग फैन वाइब्रेशन दैट मे ट्रेवल थ्रू द वेंटिलेशन सिस्टम डक इफ दे आर टॉर्न और क्रोडेड ठीक है द फैन परफॉर्मेंस विल बी अफेक्टेड तो उस केस में यदि हमारा जो भी वेंटिलेशन का डिवाइसेस है यदि वो करोडेड हो गया संचरित हो गया या तो उस केस में वो वार्न या तो टूट गया है ना तो उस केस में हमारा फैन वेंटिलेशन का एफिशियंसी वो घट जाता है ठीक है तो यदि ऐसा कहीं डिवाइस दिखे तो उसको जल जल्दी से जल्दी उसको हम लोग क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं उसके जगह पर सब्सिट्यूट अच्छे लगाते हैं ठीक है शेड्यूल्ड मेंटेनेंस शुड बी चेक आइटम्स इंक्लूडिंग तो हम लोग शेड्यूल मेंटेनेंस करते हैं है, फ़ैन के लिए तो उसमें लोग क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं पहला बेयरिंग्स चेक करते हैं ठीक है मैंने लुब्रिकेशन और वाइब्रेशंस को देखते हैं बेयरिंग्स में ठीक है फिर बोलता है बेल्ट ड्राइव्स देखते हैं फिर कपलिंग और बेल्ट अलाइनमेंट जैसे फैन डुलेट्स को फॉर प्रॉपर अलाइनमेंट एंड रोटेशन फिर बोलता है बोल्ट एंड स्क्रू फॉर टाइटनेस ठीक है फिर कंडीशन ऑफ इम्पेलर वियर और एकोमोलेसन एंड सेफ्टी गार्ड्स फिर बोल रहा है कि वाट शुड आई नो अबाउट फैन डिस्चार्ज बोल रहा है एयर डिस्चार्ज फ्राम ए फैन शुड बी कैप्ट अवे फ्राम इनलेट ठीक है तो जो भी हमारा एयर डिस्चार्ज किया जाता है फ़ैन से तो उसको हम लोग इनलेट से दस मीटर के दायरे से मैंने दस मीटर से अधिक बढ़ा के रखेंगे ठीक है मैंने इनटेक से ये कहा जाता है पॉइंट हमारा ठीक है तो ये बात ध्यान रखना रेगुलेशन के हिसाब से कहा जा रहा है कि दस मीटर से अधिक बढ़ा के रखेंगे कम नहीं ठीक है एयर डिस्चार्ज फ्रॉम ए फैन शुड बी कैप्ट अवे फ्रॉम इनलेट और इनटेक ऑफ द मैन अप मेकअप एयर सिस्टम ठीक है ऑफ द मेकअप एयर सिस्टम इन दिस वे द मेकअप एयर सिस्टम विल ड्रॉ

वर्क बेस्ड वैन दे आर टॉल ठीक है चलिए ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ ठीक है आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका हेल्प हो सके बेसिक जानकारी चूँकि आप माइंस में वर्क एज ए सुपरवाइजरी स्टाफ वर्क करने जा रहे हो ठीक है एज ए ऑफिशियल वर्क करने जा रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें बेसिक जानना जरूरी है तो इस केस में थैंक फॉर वॉचिंग कीप कंटिन्यू फॉर फर्दर वीडियोज़